यूपी टेट के एग्जाम में अब इतना टाइम नहीं रहा है कि आप अपनी तैयारी करने बैठो, यानी कि तैयारी का टाइम तो अप हो चुका है। अब आपको जितनी चीजें आती हैं उसी को बेस बनाकर बढ़ने का टाइम है। तो पहली चीज आप नोट कर लें, एक्स्ट्रा चीज अब कुछ नहीं पढ़नी। 22 तारीख तक आप लोगों को उस चीज को पक्का करना है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आप अच्छे हैं। पहले तो मैं कुछ टिप्स दे दूं, आपका दिमाग खोल दूं, ताकि आप जो है प्लान कर पाए चीजों को। दूसरी चीज, आपको वो चीज स्ट्रोंग करनी है दोस्तों जिसमें आप अच्छे हैं, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले तक का टाइम, हफ्ते पहले तक का टाइम होता है जब आप बाकी चीजों को पढ़ें। लेकिन जब हफ्ता रह जाता है, कुछ दिन रह जाते हैं, तो सबसे बेस्ट चीज होती है कि जो चीज आपको आती है, जिसमें आप स्ट्रोंग है, उस चीज को करें। यूपी टेट क्यों अलग है बाकी के एग्जाम से, बाकी राज्यों के टेट एग्जाम से? पहली बात, उसमें टीचिंग के क्वेश्चन नहीं आते, यानी कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको नहीं देखने को मिलेगी, आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट का कंटेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कंपेयर करूं सीटेट से, तो आपने देखा कि सीटेट में हर सब्जेक्ट की पेडागोजी 15 नंबर की आपसे कट्टू-कट पूछी जाती है, बट ऐसा यूपी टेट में बिल्कुल नहीं है। यूपी टेट में सिर्फ कंटेंट आपसे पूछा जाएगा। ये थी दूसरी बात। अब तीसरी बात मैं और बताना चाहता हूं, ये हवा बना दिया गया है पूरे YouTube पे कि यूपी टेट बहुत मुश्किल है। ये क्यों बनाया गया है मैं आपको बताता हूं। यूपी टेट के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, उनको डराए रखो, उनको बुलाते रहो वीडियोस में, और उनको मतलब कि डंडा कर रखा है सबने चारों तरफ से कि पता नहीं क्या आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यूपी टेट आपका हमेशा नॉर्मल आया है और हमेशा आपका नॉर्मल ही आएगा। अब की बार भी आपको इतना मुश्किल यूपी टेट देखने को नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट ये कि जो आपका पूरा एग्जाम होगा उसको करने का बेस्ट तरीका रहेगा फ्रॉम इजी टू टफ, यानी कि सबसे पहले वो चीज आप उठाएंगे जो आपको इजी लगती है, उसके बाद आप वो चीज करेंगे जो आपको मुश्किल लगती है। 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मान लो आप हिंदी में और CDP में और EVS में काफी अच्छे हैं, तो आपने 20-20 मिनट में 30-30 क्वेश्चन कर लिए, हर सेक्शन से 10-10 मिनट आपने बचाए, तो 30 मिनट आपके पास बच गए। दो सब्जेक्ट जिसमें आप मुश्किल हैं उनमें एडिशनल आपको 15-15 मिनट मिल जाते हैं। तो दोस्तों तरीका यही होता है, जो चीज आती है आपको उसको पहले करो। आप करते क्या हो, मान लो मैथ्स और हिंदी रहते हैं आपके, आप क्या करते हो कि यार हिंदी तो मुझे इजी लगती है, लास्ट में करूंगा, और लास्ट में 5-7 मिनट बचा लेते हो, क्या हो जाएगी? नहीं होगी। देखो मान लो 7 मिनट है आपके पास या 10 मिनट है, 10 मिनट में हिंदी अगर आप शुरू में करोगे ना फ्रेश माइंड से तो कर पाओगे, लेकिन लास्ट में प्रेशर में करोगे कि सिर्फ 10 मिनट है अब हिंदी करता हूं, नहीं होगी। तो तरीका ही ये होता है कि टाइम सेव करते चलो, टाइम बचाते हुए जो चीज इजी लगती है ना उसमें टाइम बचाओ। अब दूसरी बात, सबसे घटिया टिप आपको दिया जाता है कि आपको गोले भरकर अपनी प्रैक्टिस करनी है, किनकी? टाइम सेव करने की, टाइम मैनेजमेंट की। घटिया बात, बुलशिट। आपको क्या करना है, आपको 30 क्वेश्चन शुरू में करने हैं एक सेक्शन के, और कंप्लीट सेक्शन होने के बाद आपको गोले फिल करने हैं। उससे दो फायदे होंगे, टाइम बचेगा, दूसरा आपको यह पता रहेगा कौन से सेक्शन में मैंने कितने क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपको ट्राई ये करना होगा कि आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ के ना आए। अगर आपको ये लगे कि मेरा क्वेश्चन पेपर बहुत छूट गया है, तो आप क्या करेंगे, ये लास्ट में ही अपनानी है चीजें, आप फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, जो आंसर लंबा आपको लग रहा हो उसको टिक करके आएंगे। लेकिन ये आपको कब करना है, जब आपके पास ऐसा हो कि लास्ट की 2 मिनट में 40 क्वेश्चन रह गए हैं, लास्ट की 2 मिनट में 20 क्वेश्चन रह गए हैं, तो ऐसे में आप ये तरीका अपनाएंगे, जो लंबा ऑप्शन दिखेगा वो 90% उसके चांस होते हैं ठीक होने के, तो आप वो करेंगे। ये तो हो गए कुछ टिप्स। अगली बात, और जब भी आप एग्जामिनेशन में जाओ एक चीज दिमाग में डाल के चलना कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा उससे ज्यादा कुछ होगा, आप बताओ उससे ज्यादा कुछ होगा, नहीं होगा। जब उससे ज्यादा कुछ होना ही नहीं है तो टेंशन किस बात की है, बिना किसी टेंशन के एग्जाम देना, 2-3 नंबर आपके एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। अब बात कंटेंट की, कंटेंट आपको बताते रहते हैं कि ये आएगा वो आएगा, अब आपको क्लियरली बता देता हूं आएगा क्या, एक एक करके क्यों ना हम बात करें। पहले दोनों लैंग्वेज की बात लेके आते हैं दोस्तों, चलो एक हिंदी और एक इंग्लिश।
हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन आपको भर भर के दिखेगा, जिसमें आपसे हिंदी में पैसेज पूछे जाएंगे तो उसमें भी ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, जिनको पहचानना, जिनके आंसर देना बहुत ही इजी होगा। तो हिंदी आपको बिल्कुल इजी देखने को मिलेगी, बेसिक ग्रामर आपको देखने को मिलेगी, नथिंग एल्स। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी आपको ग्रामर देखने को मिलेगी और ये मीडियोकर होगी आपकी, यानी कि ना इतनी मुश्किल ना इतनी आसान आपकी, यानी कि बीच की जिसको बोलते हैं। अब ईवीएस की बात मैं आपसे करता हूं। ईवीएस में कंटेंट भर भर के आपसे पूछा जाएगा, जितने भी पास्ट में आपके एग्जाम्स हुए हैं अगर आपने उसकी ईवीएस कर रखी है तो 50% ईवीएस आपको रिपीटेड क्वेश्चंस की फॉर्म में ही देखने को मिलेगी। ईवीएस में कुछ भी नया देखने को आपको नहीं मिलेगा। यूपी टेट में आज ये बात मेरी रिकॉर्ड कर लो, लिख लो चीजों को कि जो आपने ईवीएस पास्ट में की है, प्रीवियस ईयर जिसने देखा है, अपनी नजरों के सामने से निकाला है, वो ईवीएस में काफी अच्छा स्कोर करेगा। अब बात मैथ्स की। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, या तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा या आपको बिल्कुल जो है मुश्किल लगेगा। इसमें कोई बीच वाला सीन नहीं होता है। आप किसी भी दो स्टूडेंट को उठा लो, उनसे पूछो मैथ्स इजी है या मुश्किल है, तो क्लियर कट आंसर आएगा या तो इजी या तो मुश्किल। सो सो कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस, और आपको पता है कि मैथ्स में जिसका इंटरेस्ट है वो तो प्रैक्टिस करेगा, जिसका इंटरेस्ट नहीं है यकीन मानो बिल्कुल जो है प्रैक्टिस नहीं करेगा। मैथ्स में डेली टच में रहना पड़ता है, आपको डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं कि जो रिफाइनमेंट है आपके वर्क में वो बनी रहे। तो दोस्तों मैथ्स जो आएगा आपका वो ऐसा आएगा कि जो ट्यूनिंग में है वो तो इजिली हर एक क्वेश्चन को कर लेगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, लेकिन जो ट्यूनिंग में नहीं है उससे कुछ क्वेश्चन हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर आप देखें मैथ्स को भी, तो मैथ्स भी आपका बेसिकली थोड़ा सा इजी ही आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का मैथ्स आपका बिल्कुल नहीं आता है यूपी टेट में, बेसिक मैथ आता है आपका यूपी टेट में। तो मैथ्स को भी आप डरे नहीं, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा था कि मैथ किसको कैसा लगता है, कई लोगों को आसान कई लोगों को मुश्किल, लेकिन जो लेवल आएगा दोस्तों वो भी ऐसा आएगा कि आपको चाहे मैथ्स में कुछ नहीं आता हो, बेसिक बेसिक चीजें ही आपको आती हो, फिर भी आप मैथ्स को कर लेंगे। और जिनकी तैयारी है उनकी तो बल्ले बल्ले है ही, उनको तो किसी टेंशन की जरूरत है ही नहीं। अब बात करते हैं मेरे खुद के सब्जेक्ट की, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर मुझे यूपी टेट में मजा आता है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड के। आप दूसरे राज्यों के टेट एग्जाम से अगर यूपी टेट को कंपेयर करेंगे तो यूपी टेट की खासियत ही यही है कि यूपी टेट में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं सीडीपी में जो कि काफी हाई लेवल के होते हैं। और प्रीवियस ईयर में भी आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आए हैं जो आपको थोड़े से चैलेंजिंग लगते हैं। तो अब की बार जो आपका एग्जाम आएगा उसमें आपके क्वेश्चंस आएंगे चैलेंजिंग, और आपको मीडियोकर टू इजी ही डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि ना तो आपको ज्यादा इजी ये देखने को लगेंगी और ना ही आपको ये ज्यादा मुश्किल देखने को लगेगा एग्जाम में। तो ये भी आप लगा के चले कि आपका जो कंटेंट होगा दोनों लैंग्वेज, ईवीएस, मैथ्स और सीडीपी, वो आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल नॉर्मल। ये जो हवा बनाया जा रहा है, ये जो आपको डराया जा रहा है कि आपका एग्जाम बहुत मुश्किल आएगा, इतना टफ आएगा, एक्स वाई जेड आएगा, तो ये बिल्कुल भी आपका ठीक नहीं है बात आपकी। तो इसके लिए तो आप टेंशन ले नहीं बिल्कुल भी। अब कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूं आपको यूपी टेट के बारे में। सबसे पहली बात यह कि जो यूपी टेट का आपका एग्जाम आएगा इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन मिलेगा एक मिनट के लिए। तो अपने दिमाग को खोल के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप इस एग्जाम को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। और आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीडीपी के अंदर वो मिलेंगे मनोवैज्ञानिकों के, वो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी लर्निंग थियरीज से, इंक्लूसिव एजुकेशन से। तो दोस्तों कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रही बात हिंदी की और इंग्लिश की, उसमें बेसिक ग्रामर देखने को मिलेगी। और एक चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपसे 22 तारीख के यूपी टेट के एग्जाम के बारे में आपसे कही। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है। यूपी में इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है, और अगर आपने ये वीडियो उन तक नहीं पहुंचाई
तो ये गलत बात है। मैंने इतनी मेहनत की है वीडियो बनाने में और ऊपर से ऐसी ऐसी बातें बताई हैं इस वीडियो में जो इतनी हाई फाई नहीं है, लेकिन आप अगर उनको ध्यान से सुनते हैं तो नंबर बढ़ेंगे, ये गारंटी है। तो मैं चाहता हूं कि इस मेहनत का फल मुझे मिले, तो उसके लिए जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंचा दो इसको। व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों जब ये वीडियो पहुंचेगी तभी फायदा है सबको। तो इस वीडियो को एग्जाम से पहले हर उस दोस्त के मोबाइल पर पहुंचा दो जो यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहा है। और दोस्तों आपका एग्जाम कैसा था उसका फुल रिव्यू भी अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। केवीएस की तैयारी करनी है वो भी आपकी चल रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, आपके विचार क्या है? यूपी के स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो यूपी टेट की, नीचे कमेंट करना, कुछ क्वेश्चन पूछोगे आंसर मैं दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आप लोगों से। थैंक यू सो मच। आग लगा दो वीडियो को, पहुंचा दो हर जगह, शेयर के बटन तोड़ दो, शेयर कर दो हर जगह।